जिस प्रकार से आज तक भारतवर्ष में सत्याग्रह का प्रचलन था, हम सबने सत्याग्रह को होते हुए देखा था, आज मिथ्याग्रह किस प्रकार से हो रहा है यह हम सब देख रहे हैं। राहुल गांधी जी आज अपना मिथ्याग्रह और भ्रम की राजनीति के जाल को फैलाने की पुनः कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजी में कहा जाएगा तो कहा जाएगा कि फार्स ऑफ अ फास्ट, उपवास के नाम पर जिस प्रकार से वो अहिंसा को फैलाने की बात तो कर रहे हैं, मगर आज खुद कांग्रेस पार्टी अपने ही जाल में फंसती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सच्चाई है वो आज जनता के सामने राजघाट में बापू के सामने ही उजागर हुआ है। जब कांग्रेस पार्टी के दो नेता, बड़े नेता, बहुत सीनियर नेता जगदीश प्रसाद टाइटलर और सज्जन कुमार जी वहां पहुंचे, तो जिस प्रकार का माहौल बना और जिस प्रकार से बाद में उन्हें राजघाट छोड़ के जाना पड़ा, दिस इज एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करती है, कांग्रेस मानती है राजघाट के सामने आज कि कांग्रेस के ही नेताओं के द्वारा जिस प्रकार 84 में दंगे भड़काए गए, जिस प्रकार निर्मम रूप से इनोसेंट सिखों का निर्मूलन किया गया, उनकी हत्या की गई, उनको जला दिया गया बीच सड़क पर, वो हम सब ने देखा है। हजारों सिखों की मौत हुई थी और आज बापू के घाट पर, राजघाट पर जिस प्रकार अहिंसा की बात करने राहुल गांधी आए थे, हिंसा का असली चेहरा कांग्रेस पार्टी का वहां खुल के रह गया है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उपवास के नाम पे किस प्रकार का उपहास वो कर रहे हैं ये हम देख रहे हैं। उपहास इसलिए, 3000 सिखों के मौत के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, भारतवर्ष में अगर दंगा मास्टर किसी को कहा जाए तो जब से भारतवर्ष आजाद हुआ है दंगा मास्टर कांग्रेस पार्टी ही है। दलितों के लिए आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं राहुल जी, मिर्चपुर, गोहाना, झज्जर, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था, इसके लिए कौन जिम्मेदार था? कितने सौ दलितों को निर्मम रूप से मार दिया गया मिर्चपुर गोहाना में, इंसानियत शर्मसार हुई। उस समय आपने एक वक्त का भी खाना छोड़ा था क्या? एक वक्त का खाना तब छोड़ा था जब 84 के दंगों में जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार निर्मम सिखों की हत्या करवा रहे थे, और उनको ऑर्डर कौन दे रहा था? राहुल जी, आज जिन नेताओं को राजघाट से भगाया गया, सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर, वो किससे ऑर्डर ले रहे थे? क्या यह हकीकत नहीं है कि आपके पिताश्री ने कहा था, रेस्पेक्टेड राजीव गांधी जी ने, कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और इस बड़े पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर रहने वाले, राजीव गांधी जी के आशीर्वाद से रहने वाले जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार का असली चेहरा आज पर्दाफाश हुआ है, उसी मंच पर हुआ है। अंबेडकर जी की आप बात करते हैं राहुल जी, जीते जी अंबेडकर जी को मार डालने वाली पार्टी, तिल तिल करके अंबेडकर जी को समाप्त करने वाली पार्टी अंबेडकर जी के नाम पर राजनीति करना चाहती है। राहुल जी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अंबेडकर जी से ना केवल प्रेम करते हैं अपितु अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी पर चलते हैं और उनके द्वारा लिखित पुस्तकों का अध्ययन भी करते हैं। आप हमें भ्रमित नहीं कर सकते। ये चिट्ठी अंबेडकर जी की रेजिग्नेशन की चिट्ठी है। नेहरू जी के कैबिनेट से किस प्रकार दुखी होकर अंबेडकर जी ने इन 6 पन्नों को लिखा है, और इसमें क्या लिखा है? आई हैव बीन wondering whether there is any other parallel in the world to the condition of scheduled castes in India. I cannot find any. And yet, why is no relief granted to the scheduled castes? Compare the concern of the government that the government shows over safeguarding the Muslims. The Prime Minister, उस समय नेहरू जी Prime Minister थे. The Prime Minister's whole time and attention is devoted for the protection of the Muslims. I yield to none, not even to the Prime Minister, in my desire to give the Muslims of India the utmost protection, whether and whenever they stand in need for it. But I want to know, why are the Muslims the only people who need protection? Are the scheduled castes, scheduled tribes and Indian Christians not in need of protection? अपीजमेंट और तुष्टिकरण की जो कांग्रेस की राजनीति थी वो नेहरू जी के समय से चला आ रहा था। इस विषय में बाबा साहेब अंबेडकर अपने चिट्ठी में लिखते हैं, भारत रत्न नहीं दिया गया 1956 में, स्वर्गवास के पश्चात भी वह भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित सरकार ने दिया, तैलचित्र
एक पोट्रे भी बाबा साहेब अंबेडकर का आप पार्लियामेंट में लगवाना नहीं चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी के कारण से न केवल पंचतीर्थ बना अपितु ये पोर्ट्रेट भी लगा बाबा साहेब का। अब थोड़ी देर में पूरे विचारों और जो काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारे दलित भाइयों के लिए किया है उसके विषय में शास्त्री जी आपको बिल्कुल बताएंगे, मगर मैं आपको एक बड़ी चीज बताना चाहता हूं, राहुल जी के सवाल मैं करना चाहता हूं। राहुल जी आप इस सवाल का जवाब दें, आज आप उपवास में बैठने वाले हैं, मगर कर्नाटक में जो हो रहा है, 5 वर्ष तक कर्नाटक में आपकी सरकार रही, सिद्धरमैया जी की सरकार रही 5 वर्षों तक कर्नाटक में, कर्नाटक में दलितों के साथ जिस प्रकार का उत्पीड़न हुआ है मैं डाटा बताता हूं, 9,080 क्राइम अगेंस्ट दलित्स, जो क्राइम अगेंस्ट दलित्स हुआ है 9,080 दलितों के साथ हुआ है कर्नाटक के अंदर, 358 दलित्स मर्डर, 358 दलितों की हत्या निर्मम रूप से 5 वर्षों में कर्नाटक में हुई, 809 दलित महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया गया है। राहुल जी कर्नाटक में वो कौन सा स्थान होगा जहां आप उपवास करेंगे? क्या कर्नाटक के दलित दलित नहीं होते हैं? क्या कर्नाटकों के दलित के लिए आप उपवास नहीं करना चाहते हैं? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? और राहुल जी आप देश को धोखा नहीं दे सकते हैं, ये फास्ट नहीं ये फास्ट ट्रैक है, ये फास्ट ट्रैक है अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। और बड़े स्पष्टता के साथ हम बताना चाहेंगे कि गांधी परिवार राहुल गांधी जी को लॉन्च करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। राहुल जी क्या ये सच्चाई नहीं है? गुजरात में लॉन्च करने के लिए अपने आप को आपने पाटीदारों को सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया, आपने उन्हें भड़काया, आपने वहां भ्रम फैलाया, क्या यह हकीकत नहीं है? हरियाणा के निर्दोष जाटों के कंधों पर बंदूक चलाने की कोशिश आपने की, जब वहां जाट आंदोलन हुआ तो आप सब ने चलाया अपने टेलीविजन चैनल में कि किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उस समय के मुख्यमंत्री थे उनके सेक्रेटरी ने खुद एक फोन पे कहा था, फोन टेपिंग हो गई थी, कि यहां आग जला देना है, यहां हिंसा भड़काना है। क्या यह हकीकत नहीं है कि मध्य प्रदेश में मंदसौर में जहां मोटरसाइकिल पर बैठ के जाने का ढोंग तो आप कर रहे थे, मगर टीवी चैनलों के माध्यम से आप ही के विधायक कह रहे थे आग लगा देना है और सब कुछ बर्बाद कर देना है? राहुल जी आप में अगर गुण होगा तो देश की जनता आपको मानेगी, देश की जनता ने आपको रिजेक्ट इसलिए किया है क्योंकि आप में नेतृत्व का गुण नहीं है, मगर कृपया करके अपने को रीलॉन्च करने के लिए देश को तोड़ने की जो ये कोशिश हो रही है आपके द्वारा और आपके पार्टी के द्वारा कि किसी भी कीमत पर हमें ही आगे बढ़ना है, ये उचित नहीं है, हम इसका खंडन करते हैं, हम इसके विरोध आवाज उठाते हैं। धन्यवाद। अब मेरे वरिष्ठ सहयोगी माननीय विजय सोनकर शास्त्री जी बोलेंगे। अभी हमारे मित्र समित पात्रा जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस इस्तीफे को दिखलाया जो नेहरू मंत्रिमंडल में वो मंत्री के रूप में काम कर रहे थे और नेहरू जी के उत्पीड़न से वो तंग आकर के उन्होंने ये इस्तीफा दिया था। मित्रों राहुल जी जिस प्रकार से अपना ये ड्रामा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस ड्रामे को आप उनके उन कृत्यों से जोड़ करके देखें जो उन्होंने पूर्व में किया, जो उनके पार्टी ने पूर्व में किया या उनके पूर्वजों ने किया है। डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में क्या उनको ये पता है कि नेहरू जी ने किस हद तक जाकर के डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया था? डॉक्टर अंबेडकर जब इस देश में पहली बार चुनाव हो रहा था, मुंबई से वो चुनाव लड़ रहे थे, तो नेहरू जी ने उनके घर के सामने एक जूता गांठने वाले व्यक्ति एकनाथ काजोलकर को कांग्रेस का टिकट देकर के उसे डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान विद्वान और मनीषी का जमानत जब्त कराए थे। यह है उनका डीएन, यह है उनका दलितों के प्रति क्या आखिरी उनके मन में उनके अंतरात्मा में बसता है, यह उसका एक स्वरूप। क्या राहुल जी को यह भूल गया है कि जगजीवन राम जी उनके पार्टी में लगातार खून पसीना बहाते रहे लेकिन उन्हें कभी भी प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया गया था? क्या राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि आज 70 साल बीत रहे हैं आजादी के और सर्वाधिक समय तक उनकी पार्टी इस देश में शासन की है, लेकिन आज
दलितों के घरों में शौचालय भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जैसे प्रधानमंत्री को बनाना पड़ रहा है। ये शौचालय क्यों आवश्यक है? दलित बहु बेटियों की इज्जत जब मैदानों में खेतों में जब वो शौच के लिए जाती हैं तो लूटता है, तरह तरह की आंखें उनके ऊपर उठती हैं, तो उसका अंदाज शायद कांग्रेस के किसी नेता को नहीं रहा होगा जो 60 साल तक इस देश में शासन करते रहे। बंधुओं, हिंसा कराने के बाद अहिंसा का नाटक, मुझे दुख होता है इस प्रकार के नाटक को देश देख रहा। शांतिप्रिय एक का आंदोलन विदाउट एनी लीडर इस देश में चल रहा था, वो लोग सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध दलित समाज सामने आया था, लेकिन उसको कितना हिंसात्मक स्वरूप बना दिया गया ये देश ने देखा। और इसके बावजूद आज अहिंसा का नाटक, गांधी जी की भी आत्मा को तकलीफ होता होगा कि किस तरह से सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर वहां जाते हैं। यही है कांग्रेस का हिंसात्मक स्वरूप।